डंपर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, एक की मौके पर मौत, दो घायल। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत के महोखर गांव के पास एक गिट्टी भरे डंपर ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मारी, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत और दो गंभीर रूप से घायल हुए। आनन फानन में पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां पर एक युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने उसे कानपुर रेफर किया। नवभारत समाचार बांदा उत्तर प्रदेश से नंदू राम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भैया आपका? हमारा लल्लू राम जी, ये कौन है जो खत्म हो गए? ये तो दीपक है, उसी का दोस्त है। दोस्त दीपक है, कहाँ का रहने वाला है? पारा का है। पारा का। और दो कौन थे? कौन? दो लोग और थे ना? हाँ, वो कौन? हरिओम नाम का लड़का है। हाँ। और ये क्या अंकित है, हमारा लड़का। अच्छा अंकित, ये कहाँ गए थे? ये महोखर गए थे। महोखर काहे के लिए गए थे? पार्टी, जन्मदिन के उसमें चले गए थे। अच्छा, बिना बताए हुए तो चले गए। चले गए थे। कहाँ के रहने वाले हैं तीनों? पहाड़ के हैं। पहाड़ के। तो लौटते समय हुआ? हाँ, लौटते समय हुआ। कहाँ पे हुआ? बाईपास में हुआ। कहाँ से हुआ? ट्रक से हुआ। ट्रक से। और ये लोग कहाँ से थे? ये बाइक से थे। बाइक से थे। तीन लोग थे जो खत्म हुआ, उसका क्या नाम है? वो दीपक नाम है। दीपक खत्म हो गया। कितने उम्र होगी? 18-19 साल। लगभग तीनों को इतनी उम्र होगी? हाँ, लगभग बराबर। पारा के थे, जाते समय हुआ? हाँ। आज सुबह लगभग 6 बजे के करीब थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत ग्राम महोकर के पास एक डंफर के द्वारा, जिसमें गिट्टी लदी हुई थी, मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों को टक्कर मार दी गई, जिसमें मौके पर ही दीपक पुत्र छोटेलाल कुशवाहा की मृत्यु हो गई तथा दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बांदा भेजा गया, जहां पर अंकित की गंभीर रूप से घायल होने के कारण कानपुर रेफर किया गया है। मौके से डंफर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।